जब मुझे ध्यान है कि प्राकृतिक आपदा का बजट प्रावधान 300 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में हुआ करता था, हम लोग सरकार में आए थे आजादी के बाद से लेकर 2003 तक वह 300 करोड़ रुपया कभी भी ट्रेजरी से निकलकर किसान के बीच में बटा नहीं। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि किसान के हित में लगातार आरबीसी को परिवर्तित किया गया, और जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा नई बनी थी उस समय भी किसान सूखे से पीड़ित था, तो 4000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट से निकालकर किसानों के बीच में बांटा। और यह सरकार किसानोन्मुखी है और लगातार किसान के साथ जो परंपरागत धंधे हैं उनको, पशुपालन को बढ़ावा मिले, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिले, फिशरीज को बढ़ावा मिले और किसान को अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों, इस दिशा में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम करती रहती है बिना किसी और मदद के इंतजार किए हुए। और उसी का परिणाम है कि पिछले 11-12 से अगर आप देखेंगे और आज तक लगातार मध्य प्रदेश की किसान को, मध्य प्रदेश की सरकार को किसान कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। अब राष्ट्रीय किसान कर्मण पुरस्कार अगर देखेंगे तो 11-12 में कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश प्रथम था, 12-13 में कुल खाद्यान्न में प्रथम था, 13-14 में गेहूं के उत्पादन में प्रथम था, 14-15 में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम था और 15-16 में कुल गेहूं के उत्पादन में प्रथम था। अब 14-15 की तो बात एक बार आप कह सकते हो, लेकिन 11-12, 12-13, 13-14 में तो यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार पर कोई मेहरबानी करके उसको पुरस्कृत करने वाली थोड़ी थी। अगर मध्य प्रदेश में खेती के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा हुआ होता और मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी न होती तो ये परिस्थिति मध्य प्रदेश में नहीं बनती। और मुझे ध्यान है कि 2003 से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे तो मैं तुलनात्मक स्थिति बताना चाहता हूं। 2004-05 में मध्य प्रदेश की जो कृषि विकास दर थी वो 1 से 3% के बीच में थी, आज अगर आप देखेंगे तो 20% है। मध्य प्रदेश में कुल फसल उत्पादन 4-05 में 2.14 करोड़ मैट्रिक टन था, आज 5.44 करोड़ मैट्रिक टन है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2004-05 में 1.43 करोड़ मैट्रिक टन था और आज 4.39 करोड़ मैट्रिक टन है। कुल दलहन का उत्पादन 4-05 में 33.51% लाख मैट्रिक टन था और आज 79.23 लाख मीट्रिक टन है। गेहूं की उत्पादकता उस समय 18.21 क्विंटल हेक्टेयर थी और पर हेक्टेयर, आज 35.2 क्विंटल एक हेक्टेयर में पैदा होता है। ये स्थिति धान के अगर हम देखेंगे तो 4-05 में 8.18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था, आज 32.10 हेक्टेयर उत्पादन होता है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 2003-04 में बिजली 2-3 घंटे मिलती थी, आज किसान को बिजली 10 घंटे मिलती है और उसके कारण मध्य प्रदेश में किसान का कहीं कोई अनरेस्ट नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से यह सच है बीच में थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई और उस परिस्थिति के कारण फसल के दाम थोड़े गिरे और उसके कारण किसान अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश का किसान यह मानता था कि जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान शिवराज सिंह चौहान के पास जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान हर हालत में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसानों का नेता है। और इसलिए आंदोलनकारी किसानों से 4 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बात की और किसानों ने कहा कि हमारी मूंग है, उड़द है, प्याज है, इसका दाम घट गया है, इसकी खरीद जल्दी प्रारंभ कर दीजिए। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मेरे राज्य में मूंग जो है 5,225 रुपया क्विंटल के हिसाब से
जून और जुलाई 31 तक खरीदी जा रही है। उड़द 5000 रुपया कुंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। पूरे देश में 8 रुपया कुंटल के हिसाब से प्याज कहीं भी नहीं खरीदी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में 8 रुपया किलो के हिसाब से मध्य प्रदेश में सारे किसानों की प्याज खरीदने का काम हुआ। जब यह बात हो गई तो किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो हमारे कुछ राजनीतिक मित्र जो अपनी खोई हुई राजनीतिक भूमि को मध्य प्रदेश में ऐसा ऐसा करके तलाश रहे, उनको लगा कि अरे इस किसानों के जहाज पर हम बैठ सकते थे, लेकिन अब तो निश्चित रूप से मंसूबा हमारा पूरा नहीं होगा। तो इस बात को सारा देश जानता है कि मध्य प्रदेश का आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं था। मध्य प्रदेश का किसान कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के किसान शांतिप्रिय हैं, मध्य प्रदेश के किसान परिश्रमी हैं। कांग्रेस के लोगों ने जानबूझ के उस आंदोलन को हिंसक बनाने का काम किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी जी जब वहां जाने का प्रयास कर रहे थे और जिस मोटरसाइकिल पर वो बैठे थे, जो व्यक्ति मोटरसाइकिल को चला रहा था, सारे देश ने देखा, उस व्यक्ति ने उस आंदोलन को भड़काने का काम किया। कांग्रेस के अन्य विधायक आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे थे। और दूसरा, ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी उपवास पर बैठ गए। अरे अगर क्षेत्र में अनरेस्ट है तो उपवास करना कौन सी गलत काम। मैं अगर ये पूछूं कि आप दो दिन बाद धरने पर बैठ गए तो इसका क्या जवाब होगा। मध्य प्रदेश के इस पूरे किसान आंदोलन को मीडिया ने देश भर में दिखाया, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, कांग्रेस पार्टी ने कुरेद कुरेद के मध्य प्रदेश में कोशिश की, लेकिन कहीं भी 150 किसानों को किसी जिले में कांग्रेस के लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। कांग्रेस का जब आंदोलन होता है, वो किसान का जब आंदोलन होता है तब दिखाई देता है। मुझे ध्यान है 98 में बैतूल में मुल्ताई में किसान आंदोलन हुआ था, और उस समय 5000 किसान तहसील पर इकट्ठा थे। 5000 किसानों पर गोली चली, 18 किसान मारे गए। उस समय कौन की सरकार थी, 132 लोग घायल हुए, कलेक्टर से लेके 132 कर्मचारी घायल हुए। खंडवा में गोली चली, जतारा में गोली चली, अमरवारा में गोली चली। उस समय कांग्रेस के लोग कहां थे, उस समय कहां किसान की हमदर्दी खो गई थी। लेकिन इस स्थिति में इस आंदोलन को भ्रमित करने के लिए, प्रदेश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जितना किसानों के हित में काम किया है देश में और किसी सरकार ने नहीं किया। मध्य प्रदेश की सरकार आज भी किसानों के हित के लिए पूरी तरह चिंतित है। मैं आज भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, जब किसान की बात आए तो राजनीतिक चश्मा उतारकर किसान की स्थिति को देखें। अगर राजनीति किसान के विषय पर होती रहेगी तो निश्चित रूप से किसान की दुर्दशा होती रहेगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भी और देश में भी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम लोग किसान के प्रति हमदर्दी रखने वाले हैं। और हमारी मान्यता आरंभ से रही है, मैं ज्योतिरादित्य जी आपकी बात का जवाब दे चुका हूं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आंदोलन था, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आंदोलन को भड़का की बहुत कोशिश की, लेकिन आप सफल नहीं हुए। लेकिन आप सफल नहीं हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को भड़काया, आप कहीं करवाई, पूरे प्रमाण है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा। आपकी बात आगे कौन रिकॉर्ड, आपका भाषण हो गया। सिंह ऐसा करेगा वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आई एम सॉरी, आपका भाषण हो चुका। ये कोई तरीका नहीं है। बैठिए, आप भी बैठिए, बैठिए बैठिए, ज्योतिरादित्य जी बैठिए 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 बैठिए, आपका भाषण हो चुका है। यस, बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज। बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है ये? बैठिए। यस यस मिस्टर मिनिस्टर, यस प्लीज बैठिए। क्या हो रहा है ये जो आप ऐसा बोल रहे हैं ना, रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं जा रहा है, केवल हल्ला गुल्ला दिख रहा है। करना हो हल्ला गुल्ला तो करते रहिएगा, और आपको पूरा बोलने का समय मिला था। सुनो ना, सुनने की भी क्षमता रखो प्लीज। यस माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज, आप बीच में मत कूदो, बैठिए बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में ही ये कह रहा था कि जब किसान के विषय को हम राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो ऐसी स्थिति खड़ी होगी, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है ज्योतिरादित्य जी ने भी प्रयास नहीं किया हो, ऐसा नहीं है बाकी और नेताओं ने प्रयास नहीं किया हो, सारे लोगों ने प्रयास किया। और मध्य प्रदेश में 3-4 जगह कार्यक्रम करने की कोशिश की, शिवराज जी उपवास पर बैठे, तो उपवास करना ये तो गांधीवादी तरीका है। अरे मुख्यमंत्री स्वयं उपवास करेंगे, क्या हो? हाँ हाँ, शांति शांति मुख्यमंत्री शांति के लिए अपील थी, आप लोग करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं उपवास करे। बैठिए 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 बैठिए। मुख्यमंत्री जी ने उपवास किया, इस पर ज्योतिरादित्य जी को आपत्ति है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने हिंसा भड़काने का क्यों प्रयास किया? आपकी पार्टी के विधायक, उनको पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा। प्लीज प्लीज बैठिए